हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही आनंदमय कहानी। और ये कहानी आपको जीवन में तीन महत्वपूर्ण सीख दे करके जाएगी। साथ में यदि आप चिंतित हैं कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, या फिर अगर आपको तकलीफ आ रही है कि मैं 2 महीने तो मेहनत कर लेता हूँ या 5 दिन मेहनत कर लेता हूँ लेकिन उसके बाद जो है फिर वही हाल हो जाते हैं, तो ये कहानी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये प्यारी कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े राज्य, एक विशाल राज्य के राजा से। एक्चुअल में क्या होता है कि जो राजा होता है वो काफी बूढ़ा हो चुका होता है और उसके 3 पुत्र रहते हैं। उस राजा को एक चिंता सदैव सताती रहती है कि जो राज्य मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, जहां आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की है, सब आनंदमय जीवन को जी रहे हैं, और वो राजा चाहता है कि ये ऐसा चलता ही रहे। लेकिन उसके 3 पुत्र होते हैं, वो बड़ा ही असमर्थ होता है कि मैं किस पुत्र को इस राज्य की सत्ता को सौंपूं, क्योंकि वो तीनों जो पुत्र होते हैं वो हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक होते हैं। और वो राजा सोचता रहता है। एक दिन उसके सामने नौकर आता है, वो नौकर से पूछता है कि मेरी जो है ये समस्या है, क्या तुम मुझे कोई उपाय बता सकते हो? तो वो नौकर एक किसान होता है, वो उसको एक बेहतरीन आइडिया देता है। राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अगले ही दिन अपने तीनों पुत्रों को अपने समक्ष बुलाता है और तीनों पुत्रों को एक एक बोरी गेहूं भेंट करता है। और उस गेहूं की बोरी को भेंट करते वक्त वो कहता है कि भाई सुनो, अब मैं जा रहा हूं यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर, और ना जाने मुझे आने में कितना समय लग जाए। हो सकता है 1 साल, 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये गेहूं की बोरी जैसे मैं तुम्हें पकड़ा रहा हूं, जैसे ये दाने जीवित है, जैसे ये दाने आज बहुत ही प्रफुल्लित है, वैसे ही तुम्हारा उत्तरदायी बनता है, तुम्हारा उत्तरदायित्व तो है कि तुम इन गेहूं के बीजों को जैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वैसे ही तुम मुझे वापस लौटा सको जब मैं घर वापस लौट आऊं। तो ये कहते हुए वो जो राजा होता है वो अपने राज्य को छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। अब क्या होता है कि जो सबसे बड़ा भाई होता है वो उस बोरी को उठाता है और एक बहुत बड़ी तिजोरी में उसको बंद कर देता है और बहुत बड़े बड़े ताले मार देता है और सोचता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब पिताश्री जब भी आएंगे तो मैं ये बोरी उनको भेंट कर दूंगा, और बहुत ही बड़ा खुश हो जाता है। और एक प्रश्न मेरा आप लोगों से भी यहाँ पर है, आप लोग श्रोतागण हैं, यदि आपको ये बोरी भेंट कर दी जाती और राजा जो है 3 या 4 साल बाद वापस आता, तो आप इन गेहूं की बोरी के साथ क्या करते? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, उसके बाद इस कहानी को आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा जो बेटा होता है वो सोचता है कि बड़े भाई ने वो गेहूं की बोरी को तिजोरी में तो बंद कर दिया, लेकिन पिताश्री अगर 3 साल बाद आए या 4 साल बाद आए, वो गेहूं के जो दाने हैं वो तो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, उनपे घुन लग जाएगी, वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और बचेगी सिर्फ राख, तो ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो वो क्या करता है, बाहर घूमने जाता है और देखता है कि एक जमीन वहां पर रहती है, उस जमीन पर विभिन्न प्रकार के घास पेड़ पौधे उगे रहते हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार हमने इन घास को नहीं बोया, इन पेड़ पौधों को नहीं बोया, लेकिन तब भी ये उग चुके हैं, तो क्यों ना जो गेहूं की बोरी मेरे पास है, जो बीज मेरे पास है, वो मैं उनको यहाँ पर फेंक दूं। तो वो घर जाता है, उस बोरी को उठवाता है और उस बोरी में जितने भी बीज होते हैं वो सारे वहां पर फेंक देता है। लेकिन वो जमीन जो है काफी ज्यादा क्या होती है, कंकड़ पत्थर से भरी हुई होती है, वहां पर विभिन्न प्रकार की घासें पैदा हुई पहले से रहती है, वो उन घासों को नहीं हटवाता है, कंकड़ पत्थर को नहीं हटवाता है और सीधे उस बोरी को वहां पर फेंकवा देता है और घर निश्चिंत होकर के चला जाता है, ये सोच कर कि 3 साल बाद या जब भी पिताश्री आए मैं वहां पर ले जाऊंगा
और वो गेहूं के जो बीज हैं वो अब पौधे बन चुके होंगे और उन पे जो है नए बीज आ चुके होंगे, और मैं एक बोरी नहीं दो तीन बोरी पिताश्री को वापस कर पाऊंगा। और वो उस सोच के साथ अपने राज्य में वापस लौट जाता है। लेकिन जो तीसरा और सबसे छोटा भाई रहता है वो सोचता है कि अगर मैं बड़े भाई के जैसे ये कारनामा करूं तिजोरी में रखने का, तो ये तो बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। और अगर मैं दूसरे भाई के जैसे एक ऐसी भूमि पर जो उन गेहूं को बीज को उत्पन्न ना कर पाए, और ये तो और भी बड़ी नासमझी होगी, तो वो क्या करता है, एक खेत को खाली करवाता है। उसमें जितनी भी घासें रहती है, जितने भी कंकड़ पत्थर रहते हैं, जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं, वो सबको वहां से साफ करवाता है, उनकी जड़ों को निकाल देता है, साथ में वहां पर गोबर भी डलवा देता है, जिससे कि उस खेत में थोड़ी खाद उत्पन्न हो जाए। और उसके बाद वो उस बोरी को लाता है, और उस बोरी में जितनी भी गेहूं रहते हैं वो सारे के सारे गेहूं उस खेत में डलवा देता है। कुछ समय बीत जाते हैं, साथ में वो एक निश्चित समय अंतराल के अंदर वहां देखने जाता है। जैसे ही गेहूं के पौधे का अंकुर फूटता है और वो एक पौधे के रूप में उस खेत पर उत्पन्न होता है, तो साथ ही साथ वहां पर घास पात और अन्य पौधे भी उत्पन्न हो जाते हैं। वो उस खेत को निरंतर साफ करवाता रहता है, जैसे उसे लगता है कि खेत काफी सूख चुका है और अब इन पौधों को पानी चाहिए, वो पानी उन खेतों पे लगवा देता है। और जिस समय फसल पक जाती और उससे सारे गेहूं के दाने निकाल देते, अब एक बोरी से वहां पर 100 बोरी गेहूं की उत्पन्न हो चुकी थी। वो रुकता नहीं है, वो उन 100 बोरियों को घर में नहीं ले जाता है, बल्कि वो जो 100 बोरियां होती है उनको अन्य खेत उसी प्रकार से खाली करवाता जाता है, बोता जाता है, बोता जाता है, जब तक कि पिताजी वापस ना आ जाए। इस प्रकार से वो तीसरा बेटा करता जाता है। अब 3 साल का समय बीत चुका था, और 3 साढ़े 3 साल में उसके जो पिताजी होते हैं, जो सम्राट होता है उस राज्य का, वो तीर्थ यात्रा पूर्ण करने के बाद वापस लौट चुका होता है। वो अपने तीनों बेटों से पूछता है, सबसे पहले बड़े बेटे की ओर जाता है और बोलता है कि बताओ, जो मैंने तुम्हें गेहूं की बोरी भेंट की थी वो गेहूं की बोरी कहाँ है? तो वो जो बड़ा बेटा रहता है वो उस तिजोरी पर ले जाता है बड़ा ही प्रश्न चिन्ह होकर के, कि आज तो बस सम्राट मैं ही बन के रहूंगा। लेकिन जैसे वो तिजोरी को खोलता है, ना वहां पर बोरी रहती है ना वहां पर गेहूं के दाने रहते हैं। बोरी भी खाक, गेहूं के दाने भी खाक, सारे के सारे वहां पर राख बन चुके होते हैं। वो राजा कहता है, वो सम्राट कहता है अपने बड़े बेटे से कि बेटा, मैं तुम्हें इस राज्य को सौंपने में बड़ा ही असमर्थ हूं। जब तुम इन बीजों को संभाल नहीं पाए तो इस विशाल राज्य को कैसे संभाल पाओगे? 3 साल बाद की नहीं सोच पाए कि 3 साल बाद इन गेहूं के बीजों का क्या होगा, तो तुम इस राज्य की तरक्की को कैसे कर सकते हो, तुम उन लोगों के बारे में कैसे सोच सकते हो, तो ये राज्य तुम्हें नहीं मिलेगा। वो बड़ा निराश हो जाता है। और इस प्रकार से राजा अपने दूसरे बेटे की ओर देखता है और बोलता है कि अब तुम बताओ। दूसरा बेटा बड़ा प्रश्न चिन्ह होकर के चला जाता है कि कम से कम मेरे जो गेहूं के दाने हैं वो राख तो नहीं हुए, मैंने तो उन्हें बो दिया था, और किस प्रकार से बोया ये आप और हम जानते हैं। वो उस जगह ले जाता है जो दूसरा बेटा होता है, जहां पर घास पात रहती है। वो देखकर पहले खुद ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि कहाँ है गेहूं के पौधे, मैंने तो सोचा था कि एक बोरी गेहूं के जो बीज मैंने यहाँ पे बोए थे, आज पता नहीं कितने गेहूं के पौधे यहाँ पे उगने चाहिए थे, लेकिन वहां पे कुछ नहीं उगा रहता है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि वो 3 साल बीत चुके होते हैं, उस खेत में देखने तक नहीं जाता है कि जो बीज मैंने यहाँ पर बोए थे वो उन्होंने अंकुर लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं। राजा देखता है, राजा पूछता है कि एक बात बताओ कि तुमने जो ये बीज यहाँ पर बोए थे ये क्या सोचकर बोए थे? तब वो उत्तर देता है कि पिताश्री, मैंने जो ये बीज यहाँ पर बोए थे वो मैंने ये सोचकर बोए थे कि जब इस बीज पर बिना बोए इतने सारे पौधे जन्म ले सकते हैं, तो मेरे गेहूं के बीज आखिर क्यों नहीं ले सकते हैं? परमात्मा इतनी कृपा तो कर सकता है जब इन
बिना बोई हुई बीजों पर कर रहा है, तो मैंने तो यहाँ पे बीज डलवाए थे और बोए थे, तो वो क्यों नहीं जन्मे। और सोचने वाली बात ये भी है कि जो फसल होती है उसके लिए एक निश्चित भूमि का होना भी जरूरी है, लेकिन वो इस बात को नहीं सोच पाया। तो उसके पिताश्री वो सम्राट कहता है कि बेटा, ये राज्य मैं तुम्हें नहीं सौंप सकता जो 3 साल तक इन बीजों को देख रेख करने तक नहीं गया कि इनका क्या हाल है। वो अपनी जनता के बारे में क्या सोचेगा, वो अपनी जनता की समस्याओं के बारे में क्या सोचेगा। वो कहता है कि बेटा, मान लेते हैं कि ये जो कंकड़ पत्थर है, इन कंकड़ पत्थर में से बीज गुजर करके चलो मिट्टी तक भी पहुंच गया होगा, और मान लेते हैं मिट्टी में पहुंचने के बाद उसने अंकुर भी ले लिया होगा, लेकिन उस समय अगर तुम आ पाते जब इन्होंने पौधे के रूप में जन्म लिया और इनके चारों ओर जो ये समस्याएं झाड़ी के रूप में थी इनको अगर तुम निरंतर कटवा देते तो शायद ही आज कुछ परिस्थिति और होती, लेकिन ये सब तुमने नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि तुम इस राज्य को संभालने के लायक नहीं हो। इस प्रकार से वो राजा जो है, वो सम्राट जो है, बड़ा ही दुखी मन के साथ अपने तीसरे बेटे की ओर देखता है। दुख तो होना ही है क्योंकि 3 साल वो तीर्थ यात्रा करने गया था, और ये सोच कर कि शायद जो मैंने इन्हें काम सौंपा है उसका एक मुझे सफल परिणाम मिलेगा। वो तीसरे बेटे की ओर देखता है और सोचता है कि कहीं इसने भी ऐसी मूर्खता तो नहीं की उन बीजों के साथ। लेकिन जब वो तीसरा और छोटा बेटा अपने सम्राट पिताश्री को अपने उन खेतों पर ले जाता है जहां पर सम्राट देखता है, और देखते ही जाता है कि उसकी नजरों के सामने वो फसल खत्म नहीं होती, इतने विराट खेतों में, इतने बड़े बड़े खेतों में, इतने खेतों में उसने वो गेहूं के बीज बो दिए थे कि आज एक बोरी से 1,000 बोरियां वहां पर उत्पन्न हो चुकी थी। सूरज की किरणें उन पौधों पर गिर रही थी तो वो पौधे सारे के सारे चमक रहे थे, और इसी सोच के साथ वो राजा जो है रो पड़ता है। उस राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने तो इसे केवल एक बोरी दी थी, लेकिन आज इसने एक बोरी से 1,000 बोरी यहाँ पे पैदा कर ली है। तो अपने बेटे को कहता है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसको मैं इस राज्य को सौंपने में कतई संकोच नहीं करूंगा, और तुमने मेरी जो सोच है उस सोच को सक्षम किया, कामयाब बनवाया। तो वो बेटा कहता है कि हाँ पिताश्री, मैंने निरंतर समय अंतराल में बड़ी सी बड़ी समस्याएं जो इस खेत के सामने आ सकती थी उनको दूर किया, घास पात इसके चारों ओर जो जमे थे उनको निरंतर मैंने निराई गुड़ाई की, इनको उचित समय पर पानी दिया, और उसके बाद ये जो है विशाल खेत मुझे प्राप्त हुए। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है, और इस प्रकार से उस तीसरे बेटे को उस राज्य का अधिकारी चुना जाता है जो कि सबसे छोटा रहता है। देखो, हमारे जीवन में समस्याएं आती है। मान लेते हैं हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य के लिए हमने सोच दिया है कि यार हमने 2 महीने की मेहनत कर दी है, लेकिन 2 महीने बाद हम सोचते हैं कि हमें परिणाम मिलना चाहिए और हमें परिणाम नहीं मिलता है ना। तो उसके बाद हम भगवान को पूछना स्टार्ट कर देते हैं। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य के अंदर सारी संभावनाएं दे रखी हैं, उन संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत करना हमारा काम है, ना कि भगवान का काम है। भगवान ने हमें बीज दे दिए हैं, है ना, हमें खुशी का बीज भी दे दिया, हमें दुख का बीज भी दे दिया, हमें सफल होने का बीज भी दे दिया, हमें असफल होने का बीज भी दे दिया। वो हम पे निर्भर करता है कि हम किस बीज को बो करके अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव थिंग, एक नेगेटिव थिंग, दोनों हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम या तो पॉजिटिविटी को साथ में लेकर के आगे बढ़े या फिर नेगेटिविटी को साथ में लेकर के आगे बढ़े। जब हम पॉजिटिविटी को साथ में लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ये नहीं है कि नेगेटिव विचार मेरे मन में नहीं आएंगे। जैसे उस तीसरे छोटे बेटे ने गेहूं का पौधा पूरा फील्ड साफ करके, पूरा खेत साफ करके बो दिया था, है ना, लेकिन उसने उसके बाद भी क्या किया, जब वो पौधा उत्पन्न हुआ खेत में, उसके आसपास घास उत्पन्न हुई, यानी कि वो जो पौधा है, गेहूं का पौधा, वो था पॉजिटिव विचार, और उस पॉजिटिव विचार के बाद भी उसके चारों ओर नेगेटिव विचार आए। एक पॉजिटिव विचार के चारों ओर काफी सारे नेगेटिव विचार आ जाते हैं, लेकिन हमें उनको उखाड़ कर फेंकना है ना। अपने अपने जीवन में भी वो चीजों को उतारना है कि जितने भी नेगेटिव विचार है उनको हटा देना है, और पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।
तो ये तो थी हमारी कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आप लोग सीखे होंगे, और यदि आप लोग इस कहानी से देखो, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परमात्मा ने हमें सारी संभावनाएं भेंट की हैं। उन संभावनाओं को वास्तविकता में कौन व्यक्ति परिणित करता है, वही इस जीवन में सुखी है। हम उन तीनों भाइयों के समान हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम सबसे बड़े भाई हैं या दूसरे वाले हैं या फिर तीसरे वाले। तो हमें तीसरा भाई बनना है। हमें अपने जीवन में यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि आप चाहते हैं कि मेरा जीवन खुशहाली से बीते, तो आपके पास दो जरिए हैं, या एक जरिया आप पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़े या फिर नेगेटिविटी की ओर आगे बढ़े। देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हमारे माइंड में आ सकती है, नहीं, नेगेटिव थिंक भी आएंगी, वो पॉजिटिविटी के साथ में आएंगी। जैसे उस तीसरे बेटे ने गेहूं का पौधा उस खेत में बोया था, क्या उसके बाद उसके चारों ओर अन्य घास पात उत्पन्न नहीं हुई, अन्य खरपतवार उत्पन्न नहीं हुए? हुए, लेकिन उसने क्या किया, उसने जब जब वो उत्पन्न हुए, जब जब उसे लगा कि ये जो है आगे इस पौधे को कठिनाई दे सकते हैं, तब तब उसने उस खरपतवार को उठाया और अलग किया, उसकी जड़ी नष्ट कर दी। ठीक है, एक बार जड़ी नष्ट कर दी, क्या दूसरी बार वो खरपतवार उत्पन्न नहीं हुए? वो उत्पन्न होते हैं। जब तक तुम इस जीवन में रहोगे, तब तक दुख हमारे जीवन में जरूर आएगा, है ना? ऐसा नहीं है, लेकिन उस दुख को हमें साथ में लेकर के नहीं चलना है। वो दुख एक निश्चित समय अंतराल तक हमारे साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही वो हम पे हावी होने लगे, हमें उसको मतलब अपने जीवन में हावी नहीं होने देना है, दुख को हटाना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जीवन सुखी रहना है, हमको सुख रहना है। यार, दुख तो कुछ निश्चित समय अंतराल के लिए हमारे जीवन में आता है ना, तो हम उस समय ऐसे सोच लेते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। नहीं, हम हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आएंगे, जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, उनको सबसे पहले स्वीकार करना है। मान लो मैं पढ़ाई करता हूं, मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैं भगवान को नहीं कोसूंगा कि भगवान मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं मेरे चारों ओर जो एनवायरमेंट है, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, इस चीज को मुझे सोचना है। या अगर मैं हर समय डिप्रेशन में रहता हूं, तो उस डिप्रेशन का कारण भगवान नहीं है, उस डिप्रेशन का कारण मैं हूं, क्योंकि मैंने अपने चारों ओर वो खरपतवार उत्पन्न करवा दी है। वो खरपतवार मुझे परेशान करेंगी, है ना? जैसे उस दूसरे बेटे के साथ हुआ है, भाई गेहूं का पौधा माना उसने जन्म ले लिया, लेकिन उसके चारों ओर इतनी घासें थी जिन्होंने उसका जीवन नष्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, हमारे चारों ओर वो कोई दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो हमारे जीवन को इम्पैक्ट करने की कोशिश करें, हमको दुख देने की कोशिश करें, लेकिन क्या वो हमें दुख दे सकता है? वो हम पर निर्भर करता है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना सीरियस लेते हैं, है ना? आपको अपनी खुशी देखनी है या उस खरपतवार के बारे में सोचना है, उस खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देना है। कोई दूसरा यदि आपको कुछ बोलता है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, उसको हटा देना है। समझ रहे हो ना इस चीज को? और इसी प्रकार से हमें अपने लक्ष्य को भी निर्धारित करना है, कि लक्ष्य को जब हम निर्धारित करेंगे, माना मैंने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं 2 महीने तक पढ़ाई किया, तीसरे महीने मैंने पढ़ाई नहीं किया, तो ये होगा, ये जरूर होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे निरंतर आगे बढ़ते जाना है। मुझे अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब मेरे चारों ओर कहीं ना कहीं खरपतवार उत्पन्न हो चुके हैं, मेरे चारों ओर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ गई हैं जो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। उन चीजों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। जब आप आइडेंटिफाई करोगे, जब आपको दिख जाएगा कि यार ये खरपतवार है, तभी तो आप उसको पकड़ोगे, उखाड़ोगे और फेंकोगे। बस आपको यही चीज अपने जीवन में करनी है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस चीज से दुखी हूं, है ना? उस दुख को उखाड़ करके फेंक देना है। भाई जब दुख नहीं रहेगा, तभी तो आदमी सुखी रहेगा। तो उम्मीद है जो मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर की, आप लोगों के काम आएंगी,
और उम्मीद करते हैं आप लोग इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर कीजिएगा। साथ में यदि आप लोग इस कहानी के माध्यम से कोई और सीख देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उस कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। हम निश्चित तौर पर उसे पढ़ेंगे और हम सब के लिए वो काफ़ी उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।